हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गुरुकुल आज का सेशन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्स्ट्राकुलर मसल्स आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्स्ट्राक्युलर मसल्स तो अभी आपको एक एक्टिविटी करना है आपको हेड स्ट्रेट रखना है और सामने कोई चीज को आपको फॉलो करना है तो अभी सामने जब प्राइमरी गेज पोजीशन में स्ट्रेट हेड पोजीशन में आप एक ऑब्जेक्ट के तरफ आप देखते हैं, उसी का राइट right साइड में हेड टिल्ट विदाउट हेड टिल्ट मतलब आपको हेड सर नहीं हिलाते हुए राइट लेफ्ट अप डाउन सर्कल रोटेशनल जहां आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो ये कैसा पॉसिबल है आपको हेड हेड मूव करते हुए आप सब डायरेक्शन में देख सकते हैं। मतलब ये किसके वजह से देख सकते हैं आप आईज कैसे फ्रीली मूव हो रहा है किसके वजह से तो वो है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो स्ट्रिप्स होते हैं जब पपेट जैसा वो एक्टिंग करने के लिए हम जो स्ट्रिप लगाते स्ट्रेंथ वैसे सेम हमारा हमारे आंख में एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स है वो आई मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं ओके सिक्स एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स है ओके राइट लेफ्ट अप डाउन ऑब्लिकली आपको देखना है या रोटेशन करना है आई मूव सर्कल सर्कुलेट करना है सर्कल जैसा रहेगा वो आपको मूवमेंट करना है वो सर्कल को फॉलो करना है तो उसमें एक्स्ट्राऑक्युलर मसल का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है तो आई बॉल मूवमेंट करने के लिए आज का ये सेशन में यही देखना है कि कौन सा मसल कैसे एक्ट करता है और उसका फंक्शन क्या है ओके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है ये सेशन के बाद आपको एक्स्ट्राकुलर मसल कौन कौन से है उसका नाम और उसका फंक्शन आप बोल सकते टर्म्स ऑफ दी गेज मतलब प्राइमरी गेज पोजीशन है सेकेंडरी है वो सब आप गेज के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स की गेज है वो आप एक्सप्लेन कर सकते स्ट्रक्चर ऑफ द मसल एंड नर्व कंट्रोल मतलब कौन सा मसल पे कौन सा नर्वस सिस्टम फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सप्लाई करता है वो ईच मसल को पे सिक्स एक्स्ट्राकुलर मसल जो है उसको कौन कौन से मसल पे कौन सा नर्वस सिस्टम नर्व सप्लाई होता है वो भी हम इस सेशन में देखेंगे ये सेशन खत्म होने तक आपको ये सब इसके बारे में हम नॉलेज शेयर करने वाले आज के सेशन में अभी क्वेश्चन uh, है व्हाट आर द मसल्स एक्स्ट्राकुलर मसल एक स्ट्रिप होता है, eyeball, में ये होते है और वो oculus, का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते है ओके मेन फंक्शन क्या है आईबॉल मूवमेंट का उनका फंक्शन होता है और एक फंक्शन एक्टिवेट होता है तो एक कंट्रोल में भी रखता है उसमें ओके okay? पेयर्स में वो एक्टिवेट होते एक्शन करते रहते हैं जब भी आईबॉल चेंज तो, okay? uh, okay? right तो right होगा विजन का तो सेम लेफ्ट आई में भी आपको साइमल्टेनियसली आईबॉल मूवमेंट होता है सिंगल इमेज मतलब एक ही इमेज ऑब्जेक्ट को आपको -दो, दो, दोनों आंख मिला के एक ही फॉर्म इमेज फॉर्म होता है आपके uh, ब्रेन में ओके okay? तो इसमें जो टोटल सिक्स जो एक्सट्रोक्युलर मसल्स है उसमें फोर रेक्टस मसल है एंड टू ऑब्लिक मसल्स मतलब चार रेक्टस मसल दो ऑब्लिक मसल्स चार रेक्टस मसल जो है सुपीरियर रेक्टस इंफीरियर रेक्टस मीडियल रेक्टस लैटरल रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक ऐसे छह एक्सट्रोक्युलर मसल्स है ओके okay? ये ईच आई में होते हैं दोनों मिला के एक छह नहीं है हर एक आंख में छ एक्सट्रॉकुलर मसल्स होते हैं सिक्स जो मसल है six rectus, uh, six muscles हमने बोला, उसमें वर्ड है।, है वो उसका मीनिंग है स्ट्रेट जो मसल स्ट्रेट है ओके okay? उसको हम रेक्टस मसल बोलते हैं और स्ट्रेट मसल्स भी आप बोल सकते हैं ऑब्लिक जो है उसको ऑब्लिक मसल्स हम बोलते हैं, ओके okay? इसमें मैंने बोला था बायनोक्लैरिटी मेंटेन करेगा तो मीनिंग क्या है बायनोक्लैरिटी का द एबिलिटी टू फोकस अपॉन द ऑब्जेक्ट विथ द बोथ आईज एंड क्रिएट अ सिंगल स्टीरियोस्कोपिक इमेज दोनों आंख से जब दो इमेज में फॉर्म होते हैं रेटिना पे उसको सिंगल इमेज में फोकल पॉइंट सिंगल फोकस करके वो रेटिना में आपको इंपल्स पास करता है रेटिना से ब्रेन तक ओके तो इसको हम बायनोक्लिटी बोलते हैं। दोनों इमेज को एक आ, इमेज में लाते हैं फोकस करके ओके? जैसा मैंने इस स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया फोर रेक्टस एंड टू ऑब्लिक मसल्स है तो उनका ओरि फोर रेक्टस मसल्स एंड टू ऑब्लिक मसल्स लिम्बस से कितना डिस्टेंस पे इंसर्शन है उसके बारे में हम अभी इस स्लाइड में देखते हैं सुपीरियर रेक्टस मसल जो है वो 7.7 मिलीमीटर डिस्टेंस से है आप यहाँ देख सकते लिम्बस लिम्बल बॉर्डर टू इंसर्शन जो है उसका डिस्टेंस सुपीरियर रेक्टस मसल का 7.7 मिलीमीटर mm है सेम लैटरल रेक्टस का 5.5 मिलीमीटर mm है फ्रॉम दी लिम्बस एंड इंफीरियर रेक्टस का 6.5 मिलीमीटर mm है एंड मेडियल रेक्टस जो है 6.9 पॉइंट mm मिलीमीटर पे इंसर्शन है ओके okay? लिम्बस का टर्म मीनिंग आपको पता है जंक्शन बिटवीन दिस स्क्लेरा एंड कॉर्निया इज कॉल्ड लिम्बस मैंने कॉर्निया के सेशन में भी ये कवर किया है आपको अभी हम फंक्शंस ऑफ एक्सट्रोक्युलर मसल के ऊपर डिस्कस करेंगे रेक्टस मसल्स का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल कौन से मूवमेंट पे होता है राइट लेफ्ट अप डाउन मूवमेंट्स में होता है मीडियल रेक्टस जो एक्शन करेगा फंक्शन करेगा उस टाइम जो है nasal side में turn होता है है में 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 होता तो तो उसको उसको हम बोलते हैं उस condition को मतलब मतलब आप करते हो उसको catch करके आपके तरफ लेते वो जब आईज टर्न होगा उसको रेक्टस एक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं जैसा रेक्टस आपका एक्टिवेट हो गया या तो मूवमेंट किया है वो आपका नोज से आउटवर्ड मूवमेंट होता है मतलब टुवर्ड्स दी टेम्पोरल साइड मतलब बाहर की तरफ आप देखते हैं उसको लेटरल रेक्टस का एक्शन रहता है उस टाइम उसको बोलते हैं ओके टुवर्ड्स दी लैटरल और टेम्पोरल साइड सुपीरियर रेक्टस जब फंक्शन करेगा तब आईबॉल अपवर्ड मूव होता है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन एलिवेट करते ना आईबॉल को मूव होता है वो ओके टुवर्ड्स दी सुपीरियर और आई आईब्रो ओके आईब्रो की तरफ वो जब मूव होता है तब उसको उस कंडीशन में हम एलिवेशन बोलते हैं प्राइमरी गेज से डायरेक्टली जब स्ट्रेट अपवर्ड्स मूव करते हैं तो जब डाउनवर्ड्स मूव होता है इनफीरियर एक्ट होता है तब डिप्रेशन बोलते हैं उसको डाउन मतलब नीचे जाएगा वो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं सेम ऑब्लिक मसल्स का भी फंक्शन से उनका अपोजिट डायरेक्शन में होता है जैसा यहाँ पे आपने देखा सुपीरियर रेक्टस मसल आंख को ऊपर मूव करने के लिए अपवर्ड मूवमेंट के लिए हेल्प करता है इनफीरियर रेक्टस डाउनवर्ड्स मूवमेंट के लिए होता है बट इंफीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर ऑब्लिक ये जो दो ऑब्लिक मसल्स है इनका अपोजिट एक्शन होता है तो ये क्या करते रोटेट्स दी आई इनवर्ड एंड आउटवर्ड इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन ऐसा हम बोलते हैं सुपीरियर ऑब्लिक क्या करता है रोटेट्स दी आई टर्ड्स दी नोज मतलब आपको ने आंख रोटेट करना है तो उस टाइम सुपीरियर okay? okay? बाहर की तरफ जब आंख रोटेट करना है आपको उस टाइम एक्स्ट्रा ऑर्शन होता है ओके okay? साइमिलटेनियसली जब सुपीरियर रेक्टस आंख को ऊपर की तरफ जब एलिवेट करता है तब इंफीरियर रेक्टस भी उसको हेल्प करता है ओके okay? एंड जब इन्फीरियर रेक्टस मसल उसको डाउनगेज पोजिशन में पुल करता है और या मूवमेंट स्टार्ट होता है तब सुपीरियर रेक्टस मसल भी उसको हेल्प करता है ओके okay? ये है रेक्टस मसल्स एंड ऑब्लिक मसल्स के फंक्शंस। एक्स्ट्रॉक्यूलर मसल्स को कौन सा क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है ईच इंडिविजुअल मसल्स को कौन कौन से uh, क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे ओके द लैटरल रेक्टस मसल जो है इसमें टेम्पोरल साइड में जो रेक्टस मसल स्ट्रेट मसल जो हम बोलेंगे उसको उसको सिक्स क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है उसको फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है मेडियल रेक्टस सुपीरियर रेक्टस इंफीरियर रेक्टस इंफीरियर ऑब्लिक ये जो रिमेनिंग है उसको थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है ओके okay? रिमेनिंग जो है आपको ध्यान में रखना है लैटरल रेक्टस सिक्स सुपीरियर ऑब्लिक इज फोर्थ रिमेनिंग ऑल रेक्टस मसल्स एंड इनफीरियर ऑब्लिक मसल्स जो है उसको थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है अभी असेसमेंट करेंगे लेबल द एक्सट्रॉक्यूलर मसल्स आपको अभी मैं कर्सर मूव करेगा उसके हिसाब से आपको थिंक आप बोल सकते या तो आप बता सकते आप या तो इमेजिन आपको रिकॉल कर सकते कौन सा मसल उसका नाम क्या है ओके okay. तो अभी फर्स्ट इमेज ए में जो है द मसल्स आर इन द मिडल बिटवीन द आईज दीज आर कॉल्ड एज मतलब दोनों आंख के जो सेंटर में है नेजल साइड में जो मसल्स है उसको क्या बोलते हैं द करेक्ट आंसर इज दैट इज अभी जो मार्क यहाँ पे इंडिकेट किया है ये जो लाइन से, ओके दीज मसल्स आर ऑन साइड ऑफ दल साइड ऑफ द आईज दीज आर कॉल्ड एज लैटरल रेक्टस मसल ओके एंड द थर्ड क्वेश्चन इज जो सुपीरियरली जो मार्क किया है यहाँ पे दीज मसल्स आर इन दी अपर साइड ऑफ द आई दीज आर कॉल्ड एज सुपीरियर रेक्टस मसल ओके एंड द लास्ट इमेज जो है डी क्वेश्चन उसको लोअर नीचे के साइड में जो मार्क किया है दीज मसल्स आर इन दोअर साइड ऑफ द आईज दीज आर कॉल्ड एज इंफीरियर रेक्टस मसल ओके okay. ये हम अभी जो पढ़ाई किया उसमें से असेसमेंट पार्ट था स्लाइड में अभी जो स्लाइड है इसमें वर्जेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे वर्जेंस मींस द मूवमेंट ऑफ द आईज इन द अपोजिट डायरेक्शन ओके अगर मैं नियर का वर्क कर रहा हूं तो मेरे आईज कन्वर्ज हो जाते हैं ओके सेंटर में टुवर्ड्स द नोज आते हैं अगर मुझे डाइवर्ज करना है तो दोनों आंख से अभी हम जब

तो ये जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आप कैसे देख सकते हैं किसी को आप आ, आपके नियर बाय जो भी मेंबर्स रहेंगे उनके सामने एक पेन होल्ड करके टुवर्ड्स टूवर्ड्स नोज लेके जाइए और उनको बोलना है ये पेन को फॉलो करना है टिप ऑफ द पेन ओके जैसे जैसे आप उनके नोज के थ्रू टुवर्ड्स जाएंगे तो वो क्या होता है दोनों आंख में आंख में कन्वर्जेंस मतलब दोनों आंख सेंटर में आ जाते हैं टुवर्ड्स द नोज के साइड तरफ वो कन्वर्ज होने लगता है उसको हम बोलते हैं टर्न जो नेजल साइड टर्न होते हैं उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं ओके okay? अगर आप उसको टूअर्ड्स आपके तरफ जब रिटर्न लेके जाएंगे आपको वो कन्वर्जेंस जो हुआ था उसका डाइवर्जेंस स्टार्ट हो जाता है वो नॉर्मल प्राइमरी गेज पोजिशन में जैसा आएगा वैसा आएगा उसके बाद डाइवर्जेंस भी हो सकता है ओके okay? ऐसा आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं कन्वर्जेंस क्या होता है टूवर्ड्स द पेंसिल अगर आप नोज की तरफ लेके जाएंगे तो वो दोनों आइज नेजल साइड में टर्न हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस आउटवर्ड्स दी Towards the outward, मतलब temporal side में जब move होते दोनों के अलग अलग तो उस हम 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 बोलते हैं। अभी हम देखेंगे, अभी देखेंगे, मोटिलिटी इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें क्या है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट सीनर योग ऐसे फोर टाइप्स की मोटिलिटी है ओके okay? एगोनिस्ट जो है अगर समझो मैंने राइट right आई से राइट right साइड में देखा मतलब टेम्पोरल साइड में देखा तो मेरा टेम्पोरल साइड में जो लेटरल है वो एक्शन देता है उसको बोलते हैं हम एबडक्शन तो एक ही प्राइमरी मसल जो है वो मूवमेंट हो गया तो हम उसको बोलते एगोनिस्ट अभी सेकंड है एंटागोनिस्ट जिसमें मैं राइट आई राइट आई से मेरे राइट right साइड में देखा तो मेरा राइट रेक्टस इज द एगोनिस्ट मसल

तो ये एंटागोनिस्ट टाइप हो गया अभी जो है उसके बारे में देखते हैं जैसे मैंने अर्लियर स्लाइड में डिस्कस किया था डिस्कशन किया था सेकेंडरी एक्शन भी ऑब्लिक्स मसल का मैंने बोला था ओके okay? तो इसमें में क्या होता है अगर मैं मेरा आईज अपवर्ड मूव कर रहा हूं तो मेरे सुपीरियर रेक्टस मसल एक्ट करता है समझो राइट आई से मैंने ऊपर देखा तो राइट सुपीरियर रेक्टस एक्ट करता है सिमिलर उसी आंख का इनफीरियर ऑब्लिक मसल जो है वो भी राइट रेक्टस मसल्स को सुपीरियर रेक्टस मसल को हेल्प करता है ताकि आई बॉल अपवर्ड मूव होने के लिए तो इसको बोलते हैं हम सपोर्टिंग सीनर्जिस्ट मसल जो होता है इनफीरियर ऑब्लिक हेल्प कर रहा है ताकि राइट right आई का सुपीरियर रेक्टस जब प्राइमरी एक्शन देता है तो uh, ऑब्लिक मसल्स का भी ये फंक्शन होता है कि उसको एलिवेशन करने के लिए हेल्प करता है अभी योग मसल जो है ये पेयर में होता है इसमें क्या होता है जो पेयर मतलब जब आप कन्वर्जेंस कर रहे हो तो आपका सेम मसल्स राइट आई का भी सेम लेफ्ट आई का भी सेम मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कन्वर्जेंस करना है वर्जेंस के टाइम पे कन्वर्जेंस जब होगा तब मेडियल रेक्टस मसल्स पेयर में काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं योग मसल्स मसल्स जब कन्वर्जेंस रिलीज आप करेंगे डाइवर्जेंस में जाएंगे टेम्पोरल रेक्टस एक्ट करते हैं, हैं उसको हम बोलते डाइवर्जेंस। तो उसमें भी पेयर ऑफ इन्वॉल्व होते हैं। okay? ओके? इसको हम बोलते हैं योग मूवमेंट ओके योग पेयर ऑफ मसल्स आर एक्टिंग अभी हम कार्डिनियल पोजिशन ऑफ द गेज जो ट्वेल्व मसल का जो एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में इंडिविजुअल मसल्स का ईच मसल्स जो है फोर टू ऑब्लिक वन आई सेम सिमिलर इन फोर दस टू ऑब्लिक्स इन अदर आई मतलब टोटल जो है सिक्स एंड सिक्स ट्वेल्व मसल्स के बारे में हम अभी कार्डिनल पोजिशन कैसे है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे ओके ईच मसल ऑफ दी आई हैज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी पोजिशन जैसा इसमें मैं बोलता हूं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पोजिशन होते हैं जो मूवमेंट के टाइम पे हम चेक कर सकते हैं प्राइमरी पोजिशन जो है द पोजिशन टेकन बाई दी आई वेन वन इज लुकिंग स्ट्रेट अड विद दॉडी एंड हेड इरेक्ट ओके जैसा अभी अगर आप खड़े हो स्ट्रेट देख रहे हो तो आपके सामने जैसा दिखेगा आपको

लिविंग विथ दी वन आई मूवमेंट वी नीड टू यूज द बोथ आईज जब ये मूवमेंट हम जब चेक करते रहते हैं तो दोनों आँख मूवमेंट होंगे ऐसा नहीं कि एक आंख स्टेबल कर सकते हैं और एक आंख से भी आप मूवमेंट चेक करेंगे नहीं क्योंकि मसल्स को नर्व सप्लाई सेम है ओके तो ये आपको ध्यान देना है कि दो एक आंख अब अगर आप चेक करें तो ऑदर आई मूवमेंट रहेगा आपको उधर ये आपको ध्यान में रखना है मेडियल एंड लेटरल रेक्टस विल हैव ओनली द प्राइमरी एक्शन विच आर लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ओनली मतलब जैसा राइट एंड लेफ्ट में आपको आईबॉल मूव करना है तो मेडियल एंड लेटरल रेक्टस ही प्राइमरी एक्शन करते हैं ओके okay? वो सेकेंड रियक्शन टर्स रिएक्शन में हेल्प नहीं होता है उसका दूसरा मसल्स के हेल्प की तरफ हेल्प लेके वो खुद खुद उनका इंडिविजुअल मूवमेंट होता है वो दूसरे मसल्स को डिपेंडेंसी नहीं है वेयर एज सुपीरियर रेक्टस जो है उसमें एंड इनफीरियर रेक्टस में सेकेंडरी मूवमेंट में भी है और टर्सरी मूवमेंट में भी है सुपीरियर में भी है और इंफीरियर ऑब्लिक में सेकेंड टर्सरी मूवमेंट ऑलरेडी है अभी सेकेंडरी जो होता है वो हम देखेंगे द ऑब्लिक पोजिशंस ऑफ द आई आर टर्म्ड एज सेकेंडरी एक्शन जो प्राइमरी है हमने स्ट्रेट देखा ऑब्लिक में जो देखते हैं हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोजिशन ओके इनवर्ड टूवर्ड्स दी नोज इज इंटॉर्शन एंड अवे फ्रॉम दी नोज इज एक्सटॉर्शन जो आपके नोज की तरफ जब मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटॉर्शन टूवर्ड्स दी ईयर मतलब आउटवर्ड जो मूवमेंट होता है उसको एक्सटॉर्शन इन अंदर एक्सो मतलब आउटवर्ड ओके एक्सटॉर्शन ये आप ध्यान में रखिए इंटॉर्शन

एंड इंफीरियर ऑब्लिक का एलिवेशन है ओके okay? ये मोमेंट्स आपको कार्डिनल पोजिशन में आप चेक कर सकते हैं अभी हम देखेंगे पेयर ऑफ मसल्स का कैसे एक्शन होता है हाउ डू मसल्स वर्क ओके मसल का एक्टिंग कैसे होता है पेयर ऑफ मसल्स ओके एंटागोनिस्ट ऑफ द मसल्स कैन बी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग द आर्म्स अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं हाथ को आप एक टेबल के ऊपर रखिए ओके स्ट्रेट फ्लैट टेबल जैसा फ्लैट है वैसे आपका स्ट्रेट करिए हाथ और स्लोली उसको मूव करिए एक मसल शॉर्टर हो जाता है बाइसेप जो है और ट्राइसेप जो है वो लूज हो जाता है तो इसका जो मूवमेंट है जो पेयर में एक्शन होता है तो इसलिए उसको चेक करते समय आप देख सकते हैं एक लूज हो जाता है एक टाइट हो जाता है तो ये एंटागोनिस्ट मसल का एक्शन होता है सेम सिमिलर हमारा ऑक्युलर uh, मूवमेंट में भी है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल का जो साइमल्टेनियसली मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं एंटागोनिस्ट में क्या होता है पेयर ऑफ मसल होते दो मसल होता है एगोनिस्ट में सिंगल मसल का मूवमेंट होता है ओके okay? अभी हम एनाटॉमिकल डक्शन्स के बारे में डिस्कस करेंगे ओके एनी मूवमेंट ऑफ द आई इज कॉल्ड डक्शन ओके वो राइट right हो लेफ्ट हो अप हो डाउन हो ये जो मूवमेंट है उसको हम डक्शंस बोलते ओके okay? अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लैटरल रेक्टस मसल राइट आई का लैटरल रेक्टस मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उस टाइम रिलेटिवली लेफ्ट उसी आंख का मेडियल रेक्टस रिलैक्सेशन में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं अवे फ्रॉम द नोज मूवमेंट हो गया वो, ओके, टुवर्ड्स तो टेम्पोरल साइड ऑफ योर फेस ओके तो उसको हम बोलेंगे अबडक्शन ओके बाहर चला गया वो बाहर की तरफ ओके उसको हम बोलते सेम सिमिलरली मेरा राइट right आई से मैं, मैं में जब मूव करेगा मेरा मिडल रेक्टस एक्ट करता है, और sim, उसके जो है, और में आता है उसको हम बोलते हैं है। इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया ये वापस अभी आपको रिपीट हो रहा है ये जो मूवमेंट है कौन सा लॉ है ये कौन सा कंडीशन में कौन सा मसल के एक्शन के ऊपर हो रहा है वॉट इज द लॉ ऑफ ऑक्युलर मोटिलिटी ये जो अभी स्लाइड में हमने डिस्कशन किया है करेक्ट आंसर इज एगोनिस्ट मसल्स ओके उसमें ओनली लैटरल मसल्स एंड मेडियल रेटल सिंगल मसल्स एक्शन ले रहे ओके टेम्पोरल साइड में लैटरल नेजल साइड में होते समय मेडियल रेक्टस मसल ये मसल्स है इसलिए इसको एगोनिस्ट आंसर ये करेक्ट है

किसका होता है सुपीरियर रेक्टस मसल होता है बट रिलैक्सेशन किसका होता है इनफीरियर ऑब्लिक का जब कॉन्ट्रैक्शन एक्ट करता है उसको सपोर्ट करता है उसको पुश करने के लिए ओके okay? उसको हम बोलते हैं सुप्राडक्शन ओके इंफ्राडक्शन मतलब जब इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक एट ए टाइम एक्शन लेते हैं तब क्या होता है सुपीरियर रेक्टस रिलीज करता है और इनफीरियर रेक्टस उसको पुल करता है ओके okay? और सिमिलरली रेक्टस प्राइमरी एक्शन जो करेगा वो downwards move करेगा वो डाउनवर्ड्स मूव तो सुपीरियर ऑब्लिक उसको रिलीज करता है ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं इंफ्राडक्शन ओके वट इज द लॉ ऑफ ऑक्युलर मोटिलिटी इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं सीनियर मसल बोलते हैं सीनियर एक्शन सिमिलरलीप्रेशन एंड इंफ्रोडक्शन आर ऑल्सो एज सिमिलर मूवमेंट जो ऊपर के लिए होता है उसको भी सीनियर लोअर डिप्रेशन के लिए, जो होता है, उसके लिए भी synergist बोलते हैं। अभी एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स जो है छह मसल है okay? वो हर एक आंख में ईच आई में सिक्स एक्स्ट्राकुलर मसल्स है सो एज वन मसल कॉन्ट्रैक्ट गेट्स शॉर्टर एंड इट्स पेयर मसल रिलैक्स जैसे मैंने अभी आपको बोला टेम्पोरल साइड में अगर मैं राइट आई से देख रहा हूं तो मेरा राइट आई एक्शन देता है मिडिल रेक्टस लॉन्गर हो जाता है मतलब ये पेयर में काम करते रहते हैं ओके अभी इंटॉर्शन एंड एक्सटॉर्शन मसल्स एक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन साइक्लोडक्शन मतलब intorsion, मतलब आउटवर्ड मूवमेंट होता है Nasal, जब होता 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 है, है है. तब का का और भी तो similarly, relaxation में क्या होता है जो इनफीरियर रेक्टस मसल एंड इनफीरियर ऑब्लिक मसल्स का होता है उसके अपोजिट में एक्स साइक्लोडक्शन एक्सटॉर्शन होगा तो टेम्पोरल आउटवर्ड और रोटेशन होता है टेम्पोरल और आउटवर्ड रोटेशन उस टाइम में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टस मसल एंड कॉन्ट्रैक्शनियर ऑब्लिक मसल का एक्शन हो जाता है ओके एंड रिलैक्सेशन किसका होता है सुपीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स का एक्शन होता है ओके okay? तो वर्जेंस के बारे में अभी इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे वर्जन मीन्स मैंने अभी आपको इससे पहले के स्लाइड में हमें डिस्कस किया था आईज दोनों आंख एक ही डायरेक्शन में मूव होता है ओके okay? मतलब गिवन फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स टूवर्ड्स नोज जब होगा उसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं आउटवर्ड्स जब जाएंगे उसको डायवर्जेंस बोलते हैं okay? ओके तो व्हेन बोथ आईज मूव इन यूनिसन टू लुक इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्जेंस मतलब दोनों आंख में एक ही डायरेक्शन में जब देखने के लिए हम बोलते हैं उसको बोलते हैं वर्जन्स। उसमें, वर्जन उसमें वर्जन, वर्जन, ऐसे अलग अलग टाइप के हैं तो उसमें हम अभी ये डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से मसल्स एक्ट होते हैं डेक्स्ट्रो वर्जन मतलब डेक्स्ट्रो वर्जन लुकिंग टुवर्ड्स दी राइट आपके राइट साइड में जब आप देखते हैं जो राइट आई लेटरल रेक्टस एंड लेफ्ट आई मिडियल रेक्टस मूव होता है ले वर्जन मतलब आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो लेफ्ट लैटरल रेक्टस एंड राइट मिडियल रेक्टस वर्क फंक्शन करते हैं। वर्जन जो है सुपरा मतलब ऊपर लुकिंग अप स्ट्रेट अप ओके राइट एंड लेफ्ट लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस एंड इनफीरियर रेक्टस उसके साथ में वर्क करते हैं उसको हम बोलते वर्जन की टाइप्स में डेक्स्ट्रो वर्जन लियो वर्जन एंड सुप्रा वर्जन ऐसे अलग अलग टाइप्स की तीन टाइप्स के वर्जन उसके साथ नेक्स्ट है वर्जन 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 फोर्थ डाउन मतलब आप नीचे जब देखते हैं तो आपको राइट right आई का एंड लेफ्ट आई का इंफीर काम करेंगे आपको ओके okay? जो टुवर्ड्स दी फ्लोर और ए डाउन जब डाउन गेज जब मूवमेंट होता है तब डेक्सट्रो एलिवेशन मतलब क्या होता है राइट right साइड में अप राइट एंड अप साइड मतलब आपकी राइट right हैंड के ऊपर देखना है आपको ओके okay, सुपीरियर नहीं है लेटरल नहीं है बीच में राइट हैंड साइड अपर साइड में जब देखते हैं तब राइट आई सुपीरियर एक्टस एंड लेफ्ट आई इनफीरियर ऑब्लिक एक्शन देते तो उस डायरेक्शन में देखने के लिए आपको वो फंक्शन देख करते हैं डेक्स्ट्रो डिप्रेशन मतलब इसमें डेक्स्ट्रो एलिवेशन जो है वो राइट right साइड में हो गया डेक्स्ट्रो डिप्रेशन मतलब अभी लेफ्ट साइड सॉरी आपके राइट right साइड में डाउनवर्ड्स ओके okay? मतलब आप अभी जो ऊपर देखा उसके आपके लेफ्ट साइड में नीचे देखना है आपको उस टाइम में राइट आई इंफीरियर एक्टर्स एंड लेफ्ट आई सुपीरियर ऑब्लिक फंक्शन करते तब आपको डेक्स्ट्रो डिप्रेशन ये मोमेंट ये वर्जन आपको एक्ट हो जाता है ओके तो अभी लिवो मतलब मतलब राइट right में आपने देखा लिवो मतलब लेफ्ट में ओके लिवो इलेवेशन लेफ्ट साइड में अपर साइड में आप जब देखेंगे टेम्पोरल लेफ्ट ओके तो लेफ्ट साइड का टेम्पोरल और ऊपर की तरफ आप जब देखेंगे राइट right आए इन्फीरियर ऑब्लिक एक्शन देगा लेफ्ट आई का सुपीरियर रेक्टस मसल लियो डिप्रेशन में क्या होता है लुकिंग लेफ्ट डाउन मतलब नीचे लेफ्ट साइड में नीचे देखना है आपको तो राइट आई सुपीरियर रेक्टस एंड लेफ्ट आई इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स एक्शन देते हैं ओके okay? अभी नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोसाइक्लो वर्जन ओके टॉप ऑफ द आई रोटेट्स टू द राइट मतलब आंख का जो टॉप जब है वो राइट right साइड में रोटेट uh, होता है उस कंडीशन में राइट आई इंफीरियर रेक्टस एंड इनफीरियर ऑब्लिक एंड लेफ्ट आई सुपीरियर रेक्टस एंड लेफ्ट आई सुपीरियर ऑब्लिक मसल दोनों साइमल्टेनियसली एक्शन देते जो साइक्लो रोटेशन मतलब रोटेट कर रहे आप ये राइट साइड पे जब मूवमेंट होता है उस मतलब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जब मूवमेंट होगा साइक्लो वर्जन जो होता है लेफ्ट साइड से जब मूवमेंट होगा टूअर्ड्स दी लेफ्ट टू मूवमेंट आपको राइट right की तरफ आना है तब रोटेट करके ओके द लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस मसल एंड इनफीरियर ऑब्लिक एंड राइट आई का सुपीरियर सुपीरियर ऑब्लिक एक्शन देते हैं okay? ये हो है हमारे आ, वर्जेंस के बारे में डिस्कशन अभी हम असेसमेंट करते हैं अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है जो भी हमने पढ़ाई की है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे इसका क्विक असेसमेंट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर पहला है जो मैं कर्सर से आपको अभी इंडिकेट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में टॉप ले की आंख आउटवर्ड मूव हो गया ओके अपोजिट डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स दी नोज नहीं है वो अपोजिट है टेम्पोरल साइड में आई मूव हो गए व्हेन वन आई मूव अवे फ्रॉम दी नोज इज कॉल्ड द करेक्ट आंसर इज Because एक ही उटवर्ड हो गए, हो गए, उसको हम जो प्राइमरी मूवमेंट बोलते हैं हम उसको डक्शन भी बोलते हैं, मतलब वो डक्शन मतलब सिंगल मूवमेंट है ओके okay? एक ही मसल उसमें इन्वॉल्व है और ये कौन सा साइड में गया है टेम्पोरल मतलब अबडक्शन मतलब वो अपोजिट है एडक्शन मतलब नेजल साइड में आएगा ओके okay? सेकेंड जो टॉप राइट हैंड साइड में ऊपर वाला जो इमेज है अभी उसमें देखिए वेन द बोथ आईज़ मूव सी इन वन डिरेक्शन व्हाट इज कॉल्ड दैट मतलब एक एक ही डायरेक्शन में दोनों आंख से आप देख रहे हैं इसको हम बोलते वर्जेंस एक ही डायरेक्शन में देखते हैं ओके okay? अभी थर्ड जो इमेज है लेफ्ट हैंड साइड लोअर इमेज व्हेन द बोथ आईज मूव्स राइट अपवर्ड्स इज कॉल्ड मतलब आपके राइट right साइड का जो अपवर्ड मूवमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो एलिवेशन ओके एंड लेफ्ट मूवमेंट जब होता है तब लिवो वर्जन, ओके ये मूवमेंट का एग्जाम्पल थे अभी डिसीज कंडीशन क्या होते हैं एक्स्ट्रॉकुलर मसल रिलेटेड जो एबनॉर्मल होगा तब हम बोलते प्राइमरी गेज पोजिशन में आई बॉल स्ट्रेट नहीं है दोनों आई स्ट्रेट नहीं है मिस अलाइंट है उसको हम बोलते हैं स्क्विंट और स्ट्रेबिसमस तो व्हाट वुड हैपन इफ द मसल्स डिड नॉट वर्क टूगेदर प्रॉपरली तो स्क्विंट हो जाएगा आपको आइज हम तिरचापन बोलते हैं हम इसको तो वो तिरचापन जो है एक नेजल साइड में भी हो सकता है और टेम्पोरल साइड में भी हो सकता है ये डिपेंड है कि कौन सा मसल उसमें अफेक्ट हो गया है उसके ऊपर है अगर आप एक एक आंख जब चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा ये डाइवर्जेंस या तो कन्वर्जेंस क्यों हो गया है उसमें लेजी होने का चांसेस ज़्यादा होता है आइज लेजी द आइज़ कैन बिकम मिस अलाइंड एंड द विजन उसके वजह से वो लेजी होने के कारण क्या होता है आई का अलाइनमेंट मिस गाइड हो मिसअलाइंड हो जाता है Okay, अभी समराइज करेंगे हमी हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है जो सिक्स एक्स्ट्राकुलर मसल्स इन ईच आई है ओके फोर रेक्टस टू ऑब्लिक मसल्स रेक्टस मसल्स का प्राइमरी जो एक्शन होता है वो डक्शंस होते एडिक्शन अबडक्शन सुप्राडक्शन इंफ्राडक्शन ओके ये रेक्टस मसल्स के होते हैं इन्फीरियर रेक्टस मसल इन्फीरियर ऑब्लिक सॉरी ऑब्लिक मसल्स के जो प्राइमरी एक्शन होता है इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन इंटॉर्शन के लिए जो हेल्प करता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल एक्सटॉर्शन के लिए जो होता है वो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल होता है सेकेंडरी एक्शन में जब मुझे दो मसल यहाँ पे आपको दो मसल इन्वॉल्वमेंट रहेगा ओके okay? इंटॉर्शन मतलब सुपीरियर रेक्टस का जो सेकेंडरी एक्शन है वो इंटॉर्शन करने के लिए है. और टर्शरी जो होता है अबडक्शन सॉरी एडक्शन मतलब उसको इंटॉर्शन मतलब इनवर्ड मूव होता है तो वो एडिक्ट करता है कैच करेगा उसको ओके okay? तो उसको बोलते हैं हम एडक्शन इंफीरियर रेक्टस मसल में सेम उसके अपोजिट में है ओके okay? एक्सटॉर्शन करता है सुपीरियर रेक्टस इंटॉर्शन सुपी इंफीरियर रेक्टस एक्सटॉर्शन करता है टर्शरी एक्शन जो है वो भी क्या करेगा आईबॉल को एक्शन में लेगा ओके एंड सुपी का सेकेंड रियक्शन जो है डिप्रेशन ओके एंड एलिवेशन ये अपोजिट डेकेंड रियक्शन करते हैं टर्शर एक्शन में क्या करते हैं ये दोनों मसल सुपीरियर ऑब्लिक्स एबडक्शन उसको आउटवर्ड्स मूव करने के लिए हेल्प करते okay? ये अभी तक हमने डिस्कस किया है अभी आप इस सेशन में आपको कुछ डिफिकल्टीज है डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन आप राइट right, आप डाल दीजिए मैं आपको आंसर कर देता हूँ ओके okay? इसके रिलेटेड एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स रिलेटेड उनका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नर्व सप्लाई और एक्शन फंक्शन और प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन टर्शरी एक्शन में कुछ भी आपको डिफिकल्टीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए मैं आपको आंसर कर सकता हूँ आपका डाउट्स क्लियर कर सकता हूं बिफोर गोइंग टू एंड ऑफ माई दिस सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑल्सो आई होप यू लाइक दिस सेशन सो डोंट फर्गेट टू लाइक माई सेशन एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी सजेशंस प्लीज कमेंट In the below comment box, so that I'll be responsible for your answer. And the last one is, please share these videos to your nearby and known people, those who are studying in optometry, or those who are teaching uh, to the optometry students, so that they can refer my videos as an educational videos.